हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा आज के इस वीडियो में यहां पर हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की स्टार्ट करते हैं वीडियो को आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए फ्रेंड्स के शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल हैज टू बी अप्लाइड फॉर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड बताइए कौन सा प्रिंसिपल आप अप्लाई करेंगे जब आप बिजनेस के प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे अकाउंटिंग पीरियड के डूअल आस्पेक्ट प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसिस प्रिंसिपल ऑफ फुल्ड डिस्कलोजर या फिर प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेंसिस बहुत ही सिंपल है जुरु देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई करने की बात की जा रही है तो आ, आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जब आपको पता होगा कि आपके टोटल इनकम यानी कि रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस आपके कितने हुए हैं और उनमें जो डिफरेंस होगा वही आपको प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताएगा इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाए क्योंकि यही आपको बता सकता है कि आपका प्रॉफिट हुआ है या आपका लॉस हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखिए

देखिए यहाँ पे डायरेक्टली बात की जा रही है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे क्योंकि डे टू डे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो कि हमारे डायरेक्ट प्रॉफिट को इफेक्ट कर सकते हैं इसलिए हमें यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज शोन इन अब जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कहाँ दिखाए जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंटिंग बैलेंस शीट या फिर ऑल ऑफ दी दब देखिए यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात की जा रही है जैसे कि आपके हो गए सैलरी या आपके डेली के टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया कन्वीनियंस एक्सपेंसेस हो गए ये सारे आपके डे टू डे बेसिस पर होते हैं और रेवेन्यू नेचर के हैं तो ये आपके कहाँ दिखाई जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वहीं हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करें ट्रेडिंग में हमारी क्या दिखाया जाता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस दिखाए जाते हैं ठीक है बैलेंस शीट में तो हमारे रियल और पर्सनल अकाउंट शो किए जाते हैं इसलिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए द कैपिटल एक्सपेंडिचर इज शोन इन अब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो दिखाया जाता है कहाँ जर्नल लेजर ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर बैलेंस शीट अब ये भी मैंने आपको बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं जो हाई होते हैं ठीक है और जो बहुत कम टाइम में होते हैं और उनका प्रॉफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलता है तो इस तरह के एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट में शो किए जाते हैं ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर आर आल्सो कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर को और क्या बोलते हैं टैफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग एक्सपेंडिचर फिक्स्ड एक्सपेंडिचर या फिर बैलेंस शीट आप यहाँ पे एक्सपेंडिचर लिख लीजिएगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके बैलेंस शीट एक्सपेंडिचर कहलाते हैं ठीक है नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कब इनकर होते हैं जब हम अपनी अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करते हैं या फिर लॉस को प्रिवेंट करते हैं या फिर जो एंटरप्राइज है उसकी रेपुटेशन को मेंटेन करके रखते हैं या फिर यहाँ पर ऑप्शन है फोर्थ हमारा फॉर द ऑफ बिजनेस बताइए देखिए अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे किए जाते हैं ये सिर्फ कुछ टाइम तक के लिए हमें प्रॉफिट प्रोवाइड करते हैं जबकि जो रेवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं वो लॉन्ग टर्म तक हमें बेनिफिट देते हैं ठीक है देखिए अभी मैंने आपको कैपिटल uh, के बारे में बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर भी आपसे यहाँ पर पूछ लिया बताइए अनफॉर्चून लॉसेस को प्रिवेंट करने के लिए अर्निंग कैपेसिटी के लिए तो ये तो ऑप्शन कट गया क्योंकि अर्निंग कैपेसिटी तो हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए होती है फिर गुडविल uh, को मेंटेन करने के लिए या फिर नन ऑफ दी अब क्या होगा आंसर बताइए यहाँ यहां ये यही सारे ऑप्शन थे तब आपने क्या बताया था और यहाँ बताइए ऑप्शन होमवर्क में और क्वेश्चन आपको ओके ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए फॉरेन इंजीनियरिंग कंसर्न द एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी इज डेस एक्सपेंडिचर इफ द प्लांट इज मैंट फॉर रीसेल बताइए देखिए प्लांट एंड मशीनरी पे आपने कुछ एक्सपेंडिचर किया है और वो वो आपको रीसेल के लिए रखना है तो ये छोटे मोटे यानी आपने रिपेयर कराई है उसको ठीक है तो ये छोटा खर्चा हो गया रेवेन्यू आपका कंसिडर किया जाएगा नेक्स्ट है आपने डिवेंचर इश्यू किए हैं उस पर आप, आपके खर्चे हुए हैं वो क्या है कैपिटल डेफर्ड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर नन ऑफ दी अब सिंपल है डिवेंचर आपका किस नेचर का है

ऐसे छोटे मोटे खर्चे करे हैं तो ये इस तरह के एक्सपेंडिचर आपके किस तरह कंसिडर किए जाएंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेज ऑन मशीन परचेस्ड इज अ मशीन परचेज पर आपने कैरेज दिया है डाइफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू है कैपिटल एक्सपेंडिचर है देखिए जब भी हम कोई मशीन खरीद के लाते हैं तो आप क्या कहते हो कि ये मशीन टोटल हमें इतने की पड़ी उसमें आप सारा खर्चा लगा लेते हो इंश्योरेंस का लाने का किराए का या फिर आपने उसको घर तक लाने में जो भी खर्चे करें वो सारे आप उसकी कॉस्ट में लगा के बताते हो कि टोटल ये मशीन हमें इतने में पड़ी तो इस तरह के खर्चे हमारे किस में कंसिडर किए जाते हैं ये सब हमारे कंसिडर किए जाएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर में ठीक है ऑप्शन क्या हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इफ आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इनकर ड्यूरिंग ईयर बट पेड एज एडवास फॉर कमिंग सच एक्सपेंडिचर कॉल्ड एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका इनकर हुआ है लेकिन वो एडवांस एद, पे कर दिया है कमिंग इन ईयर के लिए तो क्या होगा इस तरह का एक्सपेंडिचर डेफर्ड हो जाएगा ठीक है क्योंकि इसको हम धीरे धीरे राइट ऑफ करेंगे इसलिए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा ओके नेक्स्ट आइए कन्वर्जन इनटू कैश ऑफ एनी असेट एक्सेप्ट स्टॉक इज आपने कन्वर्जन किया है कैश का किसी असेट में लेकिन उसमें आपको आपने स्टॉक को छोड़ दिया है तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट है कैपिटल रिसिप्ट है रिकरिंग रिसिप्ट है या फिर नन ऑफ दीज है क्या हो जाएगा ये कैपिटल रिसीव ठीक है क्योंकि ये कैपिटल नेचर है सारा असेट में किया है असेट आपके लिए क्या हो गई कैपिटल हो गई नेक्स्ट है अमाउंट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज एन एग्जांपल ऑफ अब कोई भी अमाउंट आपने रिसीव किया है सेल ऑफ गुड्स से क्या हो जाएगा ए हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंड रिसिप्ट ठीक है ये आपका एक रेवेन्यू रिसिप्ट है क्योंकि माल तो आप डेली बेसिस पर बेचते हो ऐसा तो नहीं है ना कि आपने महीने में या साल में एक बार बेच रहे हो हाँ इसकी जगह अगर वो होती है आपकी असेट कि आपने असेट को सेल करके पैसे कमाए तो वो आपका कैपिटल की तरह ट्रीट किया जाता ठीक है नेक्स्ट है लॉस हुआ है आपका शेयर और डिवेंचर को इश्यू करने में बताइए किस तरह का लॉस है शेयर sure एडवेंचर्स क्या है आपके कैपिटल ओके okay. और इस पे जो भी खर्चा होगा वो क्या होगा कैपिटल लॉस सिंपल है ऑप्शन बी यहाँ पे राइट right आंसर हो जाएगा नेक्स्ट आइए जो रेवेन्यू लॉस है हमारा वो यूजुअली उसको ट्रीट किया जाता है प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर की बैलेंस शीट में या फिर ऑल ऑफ दी दबअव बताइए क्या होगा आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा करंट ईयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओके बी यहां पे राइट आंसर है नेक्स्ट है ओपनिंग स्टॉक इज एडेड टू डी अब ओपनिंग स्टॉक एड किया जाता है सेल्स सेल्स रिटर्न या फिर purchase में आप डेली क्लासेस ले रहे हैं तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन में आपको इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो आपको करा चुकी हूँ तो आप इसका इजीली आंसर कर सकते हैं क्या होगा डी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ओपनिंग स्टॉक को हम परचेज में ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक की बात की जाए तो वो सेल्स में ऐड किया जाता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लोजिंग स्टॉक इज एडेड टू शिट ये क्वेश्चन मैंने आपको इसका आंसर आपको मैंने पहले ही बता दिया तो अब तो आप इसका आंसर इजिली कर सकते हैं क्या हो जाएगा सेल ठीक uh, है एक आपको बोनस पॉइंट मिल गया ठीक है वो मैंने ही रिवील कर दिया अ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द बिजनेसमैन परचेज गुड्स फॉर रुपीस टू थाउजेंड बट एट प्रेजेंट इट्स मार्केट वैल्यू इज रुपीस टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इट विल बी वैल्यूड एट अब ये किस पे वैल्यूड होगा बताइए आप इसको किस वैल्यू पे ट्रीट करेंगे या शो करेंगे इसको देखिए मार्केट में कितनी भी वैल्यू आप उन्हें कोई भी माल परचेस किया है तो जिसमें आपने परचेस किया है आपको उसी वैल्यू पर उसको शो करना पड़ेगा फिर वो ज्यादा में परचेस किया हो या कम में परचेस किया हो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वेजेस आपकी दिखाई जाती है किस साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कहाँ दिखाओगे वेजेस डेबिट साइड में ठीक है क्यों क्योंकि ये हमारे लिए खर्चा है और जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेबिट साइड होते हैं और जितने भी इनकम होती हैं वो हमारी क्रेडिट साइड जाती हैं ठीक है तो यही थे क्वेश्चन आज के बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के ऊपर होप आपको आज के क्वेश्चन पसंद आए होंगे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ अपने शेयर कीजिए और कोई भी क्वेरी लगती है आपको किसी भी क्वेश्चन में तो आप बता सकते हैं ठीक है ठीके? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय